चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है। ये मैथ प्रैक्टिस सेट का बैच चल रहा है दोस्तों, दिया हुआ है यदि W1 रेशियो W2 इज इक्वल टू 2:3 तथा आगे दिया हुआ है W1 रेशियो W3 बराबर 1:2 है। तो W2 और W3 का आपसे मान पूछा गया, ये SSC 2010 में क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। दिया हुआ है W1 रेशियो W2 2:3 1:2 दोस्तों। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि W1 और W1 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम इसके मान को पलट लें, इसके मान को अगर हम पलट देते हैं तो देखिए क्या होता है, W2:W1 और इसका मान दिया हुआ है तो इसका भी मान मान पलट जाएगा, क्योंकि ये हम पलट देंगे ये भी पलट जाएगा तो ये 3:2 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए W1 के सामने हम W1 लिखते हैं और फिर दिया हुआ है W3, इसके बाद इसका मान हो जाएगा 1:2। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये W1 के सामने W1 रखे हैं तो इसका मान भी ठीक उसी तरह से दिखाएगा, क्योंकि W1 का मान 2 दिया हुआ है और नीचे आपका W1 का मान 1 दिया हुआ है तो इसके हम सामने लिख रहे हैं। अब दोस्तों W2 और ये कॉमन है तो W1 लिखा जाएगा, ये हो जाएगा W3। अब दोस्तों इसमें जो ट्रिक लगाना है, इस 2 को इस 2 से गुना करना है, इस 1 को इस 2 से गुना करना है, इस 1 को इस 3 से गुना करना है। मतलब कहने का मतलब है इस 2 को सिर्फ इस 2 से गुना कीजिए और बाकी जो संख्या बचेगा वो सभी से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 2, ये हो जाएगा 3। अब दोस्तों ये W2, W1, W3 का मान निकल के आ गया, यानी कि W2 और W3 का मान आपसे पूछा गया है तो हो जाएगा W2 का मान आपका यहाँ निकल के आ गया 3 और W3 का मान यहाँ दिया हुआ है 4, तो ये हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है, प्रॉफिट एंड लॉस से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्या कहा गया, यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 20:21 तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। इस तरफ आपका ऑप्शन है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, क्रय मूल्य को हम सीपी से लिख सकते हैं, क्रय मूल्य होता है, और ये विक्रय मूल्य को हम एसपी से डिनोट करते हैं। ये अनुपात दिया हुआ है 20:21। अब देखिए समझिएगा, क्रय मूल्य है यानी कि आप किसी वस्तु को 20 रुपया में खरीदें, ठीक है, और उसे आप 21 रुपया में बेच रहे हैं, यानी कि 1 रुपया का आपका लाभ हो रहा है। 20 रुपया तो आपका दाम लग गया और 1 रुपया जो आप बढ़ा के बेच रहे हैं यानी कि 21 रुपया जो आपका आ रहा है, तो उसमें 1 रुपया तो आपका दोस्तों लाभ हो रहा है यानी कि आप उस वस्तु पे कमा रहे हैं। तो वहां पर आप देख रहे हैं कि दोस्तों क्रय मूल्य 20 रुपया में है, अब विक्रय मूल्य यानी कि बेचा वो 21 रुपया में, तो 1 रुपया आपका लाभ हो गया, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए दोस्तों लाभ ऊपर रहेगा और क्रय मूल्य नीचे आ जाता है, क्रय मूल्य नीचे आ जाएगा, क्रय मूल्य 20 है तो 20 हो जाएगा, प्रतिशत के लिए आप 100 से गुना कर दीजिए, इसे काटिएगा तो ये 5, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 5%। चलिए अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आया तो दोस्तों प्रतिशत लाभ बराबर फॉर्मूला होता है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य इनटू 100। देखिए लाभ कितना निकल के आया, 1 लेके निकल के आया, क्योंकि 20 रुपया में हम खरीदे 21 रुपया में बेचे यानी कि 1 रुपया का लाभ हुआ, तो लाभ आपका ऊपर लिखा जाएगा, क्रय मूल्य आपका 20 दिया हुआ है और इनटू में 100 है, यही चीज हम यहाँ पे डायरेक्ट किए थे दोस्तों, इसे आप काटिएगा तो ये हो जाएगा 5%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है, दो संख्या मान लिया जाए 1 और 2, दो संख्या का अनुपात 3:4 है और उसका मासा दिया हुआ है 4, ठीक है, इसका HCF 4 दिया हुआ है तो उसका लासा बताइए आप, तो लासा कैसे निकालिएगा। देखिए क्या करना है दोस्तों, ये जो दिया हुआ है 3 एवं 4 का दोस्तों आप
पहले आप SCF निकालिए, मासा निकालिए, क्योंकि यहाँ पे ये मासा दिया हुआ है तो मासा का तुलना मासा से करना पड़ेगा, यानी कि 3 और 4 का SCF 1 आएगा और जिसे निकालना होता है दोस्तों ये गुना हो जाता है। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, देखिए क्या करना है, आपका दिया हुआ है मासा 4 दिया हुआ है, तो दोस्तों जो निकालना रहता है उसे हम गुना कर देते हैं तो वो एक संख्या निकल जाती है, और इसके बाद जिसे जो दिया हुआ रहता है उससे तुलना कर देते हैं, यानी कि मासा दिया हुआ है तो इस संख्या का भी मासा निकालना होगा। तो दोस्तों कोई भी संख्या लगातार रहे तो उसका मासा हमेशा एक ही होता है, 7, 8 ये मासा हमेशा एक ही रहता है, ये याद रखिएगा। तो इसका मासा 3 और 4 लगातार है तो दोस्तों इसका मासा 1 आएगा, और लासा आपसे पूछा गया तो 3 और 4 का लासा क्या होगा, 4 3 12, ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो 12 6 48 आपका आंसर हो जाएगा।